नमस्कार, मैं हूं शौकत अली और इस वक्त हमारी मौजूदगी सहरसा के सलखुआ प्रखंड अंतर्गत गोरियारी गांव में है और बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की ओर से पैक्स चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। संपूर्ण बिहार में 5 चरणों में पैक्स चुनाव होना है। वहीं प्रथम चरण के लिए 11 नवंबर से नामांकन होगा और 26 नवंबर को मतदान के लिए डेट मुकर्रर किया गया है। अब ऐसे में ये तमाम लोग गोरियारी के हैं, इन लोगों ने जो है कि मतदाता पैक्स के लिए जो है कि अपना नामांकन के लिए पोर्टल पे जो है कि ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन इन लोगों का आवेदन इसलिए रद्द कर दिया गया है कि किन्हीं को पागल घोषित कर दिया गया है, किन्हीं को जीते जी मृत घोषित कर दिया गया है। हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए इनमें कई ऐसे साक्षी यहाँ मौजूद हैं जिनका नाम पैक्स के चुनाव के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था, लेकिन उनमें से जो है कि कई लोगों को बाहरी घोषित किया गया है, पागल घोषित किया गया है, मृत बता करके उनका आवेदन को रद्द कर दिया गया है। अंजू देवी हमारे साथ मौजूद है, इन्हें इनका आवेदन रद्द किया गया, इन्हें मृत घोषित करके हम इनसे जुड़ेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि आवेदन कहने रही है। रवीन यादव मृत्यु में घोषित कर दल के है ना, आवेदन दलिए फैस में अथी मृत्यु में घोषित कर दल के है ना। हमें गोरियारी के रह वाली रंजू देवी सलखुआ प्रखंड में वार्ड नंबर 13 में छी। केना हमरा लाभ मिलते, हमें जिंदे लोग के मारि दल के है ना। तो निश्चित रूप से ये एक सोचने वाली बात है, जीते जी लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, ये एक बड़ी लापरवाही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार। क्या मामला है आपके साथ? फैक्स में ऑनलाइन किए थे, रोबिन कुमार यादव ने मेरा रद्द कर दिया, हमको पागल में घोषित कर दिया, मेरा बीवी को बोल रहा मृत्यु घोषित हो गया है। तो कोई अधिकारी मामले का संज्ञान नहीं ले रहे हैं? नहीं, कोई नहीं ले रहा अभी तक। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं अच्छा से न्याय होगा, इसे FIR होगा, कुछ भी और आगे बढ़े, इसका हमको न्याय मिले। तो लोग अब जो है कि वैसे जो है कि पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम ये चेहरे को जो है कि गौर करके देखिए, जो है कि दूर से ही पता चलता है कि 40-50 साल से कम उम्र इनकी नहीं होगी, लेकिन इन्हें 18 साल से कम उम्र बता करके इनका आवेदन रद्द किया गया। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या नाम हुआ? मनीष कुमार। क्या मामला है, ये पैक्स की सूची रद्द की गई? हम उसको नाम जोड़ने के लिए दिए थे, वो मेरा उम्र कम करके हमको छांट दिया, आवेदन छांट दिया, रद्द किया गया। उसमें क्या जानकारी दी गई है पोर्टल पे? हमको उम्र 16-17 साल कर दिया है, 14 साल कर दिया है। अब हम पहुंच चुके हैं सलखुआ प्रखंड कार्यालय परिसर, यहां देख सकते हैं कि पर्व त्योहार के बाद जो है कार्यालय खुल चुका है, लोगों का जो है कि गहमा गहमी भी यहाँ देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ जो प्रखंड के जो सहकारिता विभाग के अधिकारी हैं उनके कार्यालय में ताला लटका हुआ है और वो जो है कि यहाँ कार्यालय में मौजूद नहीं है। किस वजह से वो कार्यालय अब तक नहीं आए हैं, आखिर क्या वजह है, इसका स्पष्ट जानकारी यहाँ किसी से नहीं मिल पा रही है। कार्यालय खुलने के बावजूद अधिकारी जो है कि अपने कार्यालय में क्यों नहीं पहुँचे हैं और क्यों मनमाने तरीके से जो है कि आवाजाही करते हैं, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है। फिलहाल इस कड़ी में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। शौकत अली, कशिश न्यूज़, सहरसा।